भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। 17 महीने के बाद पूर्वी लेन भी बनकर तैयार हो गया है। अब गांधी सेतु पर लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। राजधानी पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु को कभी एशिया के सबसे बड़े पुल के नाम से जाना जाता था। अब इस पुल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। महात्मा गांधी सेतु नए रूप में 5.575 किलोमीटर तक दो लेन में बनकर तैयार हुआ है, जो स्टील से बना है। अब भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज के रूप में इसकी पहचान बनी हुई है। अब गांधी सेतु पर लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। पूर्वी लेन का शुभारंभ 7 जून को होना है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। ये पुल पूरी तरह स्टील से बना हुआ है, लेकिन पाया का संरचना पुराना है। इसमें 66,360 मेट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है और 25 लाख टन नट बोल्ट लगे हैं। लगभग 1100 वर्कर ने 24 घंटे काम कर इस पुल का निर्माण किया। इस नए निर्माण किए गए स्टील ब्रिज की लाइफ 100 साल की है। मेंटेनेंस की अवधि 15 से 20 साल की है। इंजीनियर वीरेंद्र ने बताया कि पुल निर्माण के लिए कोरोना काल में सभी वर्कर काम कर रहे थे और किसी को छुट्टी नहीं दी गई थी। पटना के गायघाट से हाजीपुर तक के लिए लगभग 6.25 किलोमीटर लंबे इस पुल का उद्घाटन मई महीने में साल 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। उस वक्त ये पुल एशिया का सबसे लंबा पुल था। बिहार में राजधानी पटना से उत्तर बिहार जाने के लिए यही एक पुल था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए रखरखाव सही से नहीं हुआ तो पुल की हालत जर्जर हो गई। आए दिन ये पुल मीडिया की सुर्खियों में रहता था। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से नए रिकॉर्ड के साथ ये तैयार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।